हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लेसन 6, दैट इज एनिमल टिश्यू. इन प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन यू अबाउट प्लांट टिश्यू. नाउ वी विल स्टार्ट विथ एनिमल टिश्यूज. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. द फोर टाइप्स आर नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू इन अ ह्यूमन बॉडी. एज अ ह्यूमन बॉडी डज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. इट मे बी वॉकिंग, रनिंग एंड मैनी अदर बेसिक एक्टिविटीज. वी ऑल्सो बिलोंग टू एनिमल किंगडम, सो वी हैव लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज टिश्यूज. First number tissue is function is for protection. They protect the body. Another helps in movement and locomotion. Another connects the internal organs of the body. And the last one helps to transfer the signals to the brain. So this way our tissues are divided. Protection tissue is called as epithelial tissue, means it is related to the skin. Then movement and locomotion, so it is related to our muscles which are joined with the bones. Connectivity tissue, which is connecting the organs. And transverse, as I told you, our nervous system means the brain, which helps to transfer the different signals to our brain, that is the nervous tissue. First of all we will discuss about epithelial tissue, means related to skin. Epi means above part. So the above part, that is our skin, that is called as epithelial tissue. It lies above the body, so it forms a protective covering, as skin protects our body organs very properly. And the cells inside the skin are very tightly packed. It is the like cementing material which is filled inside the epithelial tissue, which helps the cells to be tightly packed. So in epithelial we have the basement membrane. Base matlab jo basic body ka organ hai, which is the largest sense organ also, that is our skin. To ye basement membrane hai jisme sare functions hote hain related to the epithelial tissue. Ye fibrous supportive membrane hai. And this helps to hold the cells together in a single straight line. ये हमारे सेल्स को एक साथ पकड़ के रखता है, जैसा कि हमने पहले देखा, और एक स्ट्रेट लाइन में. तभी हमारी स्किन टाइट बनी रहती है, क्योंकि सेल्स सारे एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं और वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में हैं. सो दैट इज़ हेल्पिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, द एपिथेलियल टिश्यू इज़ डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. एज यू कैन सी द नेम इज़ रिटन, एज वेल एज द फंक्शन इज ऑल्सो रिटन. सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियल, इसका काम होता है फिल्ट्रेशन. ये बहुत ही थिन और फ्लैट होता है. इट इज़ एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, और वो बहुत ही डेलिकेट लाइनिंग बनाता है हमारे स्किन के ऊपर. हमारा जो ईसोफेगस है, फूड पाइप, उसकी जो ऊपर की परत है यानी लाइनिंग है, या माउथ का जो कवरिंग है, वो इसी से बना हुआ है. इसका काम है फिल्टर करना. द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी, हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करती है, डेलिकेट लेयर, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमिनस एपिथीलियम. स्किन एपिथीलियल आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स सो दैट देर इज़ नो वेयर एंड टेयर. मतलब हमारी बॉडी में वो अलग अलग लेयर्स में है, तो वेयर नो थोड़ी रफ एंड टफ हो जाती है हमारी स्किन, जिससे ईजिली हमको चोट नहीं लगती. सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न्स ऑफ लेयर, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम. क्यों इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम? क्योंकि ये पैटर्न्स ऑफ लेयर्स में अरेंज होता है हमारी स्किन में. दूसरा हमारा आता है कॉलमिनर एपिथीलियम. दिस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन. अब एब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन होना चाहिए, होगा तो मतलब सरफेस भी बड़ा होना चाहिए. सरफेस एरिया शुड बी लार्ज, सो तभी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा. तो इसलिए आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है. इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. दिस कॉलमिनर एपिथीलियम
फैसिलिटेट्स इन द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर. ये एक पिलर का काम करता है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है चीज़ों का, मटेरियल का. इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक द कॉलिमिनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज़ द सीलिया विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ एपिथेलियल सेल. दीज सेलिया कैन मूव थ्रू मूवमेंट पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर. दिस टाइप ऑफ एपिथीलियम सीलिएटेड इज कॉल्ड एज कॉलिमिनर एपिथीलियम. आपको इसका एक ही फंक्शन बहुत अच्छे से याद रखना है. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन एंड इट्स सर्फेस एरिया इज लार्ज. देन कम्स नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथीलियम. क्यूबॉइडल है स्ट्रेंथ, ये रिलेटेड होता है स्ट्रेंथ से. इट हेल्प्स इन द किडनी ट्यूबल स्पेशली, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्स एंड डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. ये सपोर्ट में हेल्प करता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है तभी वो सपोर्ट कर पाएगा. एपिथेलियल सेल्स एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सीक सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सर्फेसिस. Sometimes a portion of the epithelial tissues folds inwards and a multicellular gland is formed. This is called as glandular epithelium, which you can see here. ये secretions करता है तभी इसका structure थोड़ा बड़ा है and इसमें से secretions होते हैं glands के through. So that time it is called as glandular epithelium. Again I am repeating, sometimes a portion of epithelial cells fold inwards and a multicellular gland is formed. जब ये gland बनती है it is called as glandular epithelium and this helps in the secretion of the waste materials sometimes. Now we will discuss about connective tissues. Here you can see ligament. Two bones which can be connected to each other by another type of tissue that is called as ligament. So ligament is a thing which is joining the two bones. अब जैसे rubber band होता है with elasticity, this tissue is also very elastic. अब ये दो bones को join करा हुआ है मतलब इसमें बहुत energy होगी. So this tissue is having strength also. Ligament contains matrix and it connects bones with another bones. Then comes tendons, muscles which are adhered to the bones with a tissue that is called as tendons. They connect muscles to the bones. Muscles locomotion में help करते हैं, तो muscles को जो bone से जोड़ता है उसको बोला जाता है tendons. They are fibrous tissue और इनमें भी बहुत ताकत होती है. They have great strength और उनमें बहुत flexibility होती है. Flexibility का reason ये है कि वो हमको movement में या twisting of some areas of body parts, इट हेल्प्स इन दैट. ये हमारे दो सब पार्ट्स हो गए कनेक्टिव टिश्यू के, दैट इज लिगामेंट एंड टेंडन्स. दे आर डेंस कनेक्टिव मतलब ये एक दूसरे से बहुत डेंसली कनेक्टेड होते हैं. जैसा कि आप ये पिंक कलर के बॉक्स में देख सकते हैं, द सेल्स आर डेंसली पैक्ड मतलब बहुत पास पास में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है. और इसमें बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है. It contains least amount of matrix. Now comes our largest sense organ of human body, that is our skin. अब इसमें भी tissues present होते हैं जो skin को connect करते हैं अंदर bone से. The skin is connected to the muscles. Muscle से connected होगी, फिर muscle bone से connected होंगे, तभी हमारा locomotion हो सकता है. So there is a connective tissue which is called as areolar connective tissue. It is between the skin and the muscles. It contains very less amount of gel, which is matrix we studied further. It is loose, that's why these cells keep on floating. ये जो matrix जो इनको tightly पकड़ के नहीं रखता है, इसीलिए ये cells जो हैं float करते हैं और थोड़े बहुत flexible होते हैं. This type of tissue, that is areolar tissue, is present in our blood vessels, nerves and bone marrow. और ये जो हमारी organs के अंदर का खाली space होता है, ये tissue उसको भी भरता है.
So here it is written, it fills the space inside the organs. एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये हेल्प करता है टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू. मतलब अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, चोट लगती है, डैमेज होता है, तो उसको आफ्टर मेडिसिन रिपेयरिंग में ये हेल्प करता है. दैट इज एरियोलर टिश्यू. फॉर दिस रीज़न दिस टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिलर टिश्यू, मतलब स्पेस भरने वाला. सो अभी तक हमने दो टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा. There were two types of tissues, densely connective and loosely connective. Densely मतलब cells बहुत पास में हैं, they are mostly tightly packed, और loosely मतलब वो दूर दूर जुड़े. One is the binding material and another is the packing material. So two types of connective tissue we studied. Now the third one comes, the supporting material. मतलब हमारी body में support कौन सा tissue करता है, that we will study now. ये है हमारी body का framework. सारे बोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ऑल बोन्स आर कनेक्टेड. अगर हमारे बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते तो व्हाट वुड हैव हैपन, वी वुडंट हैव हैड अ स्ट्रेट प्रॉपर बॉडी. इसलिए हमारे बोन्स को फ्रेमवर्क कहा जाता है, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंड अनदर थिंग, दे सपोर्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर जो डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर द हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. तो बोन्स हमारे फ्रेमवर्क भी देते हैं और वो हमारे सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं. हियर यू कैन सी द स्कल इज़ प्रोटेक्टिंग द सॉफ्ट ऑर्गन दैट इज़ अवर ब्रेन. नाउ अवर बोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बट हाउ, बोन तो हमारी पूरी बॉडीज़ में है, तो उसको कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से कहा जाएगा. पहली बात तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर बोन को स्ट्रेंथ कौन देता है. हाउ दे आर स्ट्रांग एंड दे होल्ड द ऑर्गन्स. सो इट इज़ द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस इनसाइड विच द बोन्स आर प्रेजेंट एंड इट हेल्प्स टू गिव द बोन स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. फॉर दिस रीज़न अवर बोन्स आर स्ट्रांग एंड हार्ड. And that's why the bones are called as skeletal connective tissues. So our bone cells are present in a medium that is calcium and phosphorus, and it makes our bones strong, and it is also called as skeletal connective tissue. It forms the framework of our body, it supports our body, वो हमारे muscles को anchor करता है, and supports the main organ which we studied before. It is strong and non-flexible. पहले हमने फ्लेक्सिबल टिश्यू पढ़ा, हियर इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. नाउ कम्स वन मोर टिश्यू. यू कैन सी हियर एग्जांपल इज गिवन. वी कैन बेंड अवर ईयर्स. हमारे ईयर्स को हम इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं. तो इसका क्या रीज़न है? नोज़ की भी एक किसी पार्ट्स को हम एरिया को हम इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं. सो द रीज़न इज़ द सेल्स आर वाइडली स्प्रेड. मतलब सेल्स दूर दूर हैं और उनका जो मैट्रिक्स है इट इज़ चीज़ लाइक. मतलब उसमें इलास्टिसिटी है मैट्रिक्स में. इसीलिए हमारे ईयर्स और कुछ और बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स कह सकते हैं, दे कैन बी फ्लेक्सिबल. उस एग्जाम्पल यू कैन सी ईयर्स एंड अनदर इज़ नोज़. So here cartilage is another type of connective tissue which is widely spaced cells. There is a solid matrix, it contains proteins and sugars. Cartilage smoothens the bone surface at joints and it is also present at nose, ears, trachea, larynx and all. For this reason we can fold the ears or twist our ears, but we cannot bend our bones and arms. So this was another type of connective tissue. You can see at many times our body acts as a shock absorber. It is a skin which is helping to prevent us from different types of shocks. Beneath the skin lies a tissue which is called as adipose tissue. Our body needs to be safe from the mechanical shocks. So this tissue beneath the layer of the skin acts as a shock absorber. And it is called as adipose tissue. It contains very less amount of matrix. Example I will give you. Thin people having less amount of adipose tissue
feel more cold as compared to the fat people who have more amount of adipose tissue, because that tissue acts as a insulator inside their body. As we have studied about the animals, they have blubber. So जो fat people होते हैं उनमें यह tissue blubber का काम करता है या insulator का काम करता है, जिससे उनकी गर्मी ठंड में भी बनी रहती है. If I ask you the question, why thin people feel more cold as compared to fat people? So this is your answer related to adipose tissue. Now we have one more tissue which is liquid in nature, that is blood. It circulates inside the whole body and it is another type of connective tissue. It is a fluid matrix called plasma. In this RBCs, WBCs and platelets are there. The plasma contains proteins and salts as well as hormones. Blood flows and transports gases, digested food, hormones and waste material to different parts of our body. So blood is a fluid connective tissue which is suspended in a liquid medium which is plasma. Here is a summary of the connective tissue which we have studied along with its functions. Now we will study about muscular tissue. Movement and locomotion, it is boom to the animal kingdom. We do movement also and locomotion also. Movement means moving by standing or sitting at a particular place. Locomotion means change of the location. Muscular tissue itself relates that it is made up of muscles. It may be present in our stomach or in our biceps. So the structure in nature is different according to their location. So here location. Is a short definition written. For any movement of body, our muscles have a very important role to play. So muscles are very important for movement as well as locomotion. So the muscles that are attached to our skeleton are called as skeletal muscles. You can see here, the skeletal muscles are having nerve endings. Here we will study about three main types of muscles, which are striated muscles, cardiac muscles and smooth muscles with its functions. First we come on the striated muscles. The microscopic view is given here. These muscles are also called as skeletal muscles because they are attached to our bones and they help our body in movement. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये muscles हमको help करते हैं. The microscopic view, you have seen this. There is a light and dark bands or strains. So as a result, they are called striated muscle क्योंकि इनका microscopic view में इनके straights दिखते हैं. The cells of this tissue are long, cylindrical and unbranched. और इसमें एक special quality होती है, they are multinucleated, means they have many nucleus. The voluntary muscles are that which we can control. We can control each and every movement of that muscle. They are called as voluntary movement. Example, movement of hands and legs. ये bone से attached हैं तो इनकी जो movement है ये हमारी इच्छा के according हम लोग कर सकते हैं. जैसे कि हमारे hands और legs से attached हैं तो हम हमारे hands और legs को अपनी इच्छा के according movement कर सकते हैं. इसलिए इनको voluntary muscles भी कहा जाता है. Means according to the our will we can move these muscles. उसके बाद आते हैं smooth muscles. उनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है. हम इनको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं मूव कर सकते. दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स और इनको अनस्ट्रेन्ड मसल्स भी कहा जाता है. ये स्मूथ मसल्स जो हैं, वी कैन फाइंड देम इन आवर आयरस, इन इनसाइड द आइज, ब्रोंचाई, स्टमक, यूटरस. सो इन एरियाज में जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है. This movement of, like example, movement of alimentary canal, contraction or relaxation, these are movements, it happens according to the need of our body. So these are involuntary muscles, not under our control. The cells are long with pointed ends and are uninucleated. Ye difference hai, wo multinucleated the, ye uninucleated hai. They are also called as unstriated muscles. Then comes cardiac muscle.
The muscles of the heart showing rhythmic contraction and relaxation throughout life. These are also involuntary muscles and they are called as cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical, branched and uninucleate. यानी सिर्फ हमारे पास जो मसल्स हैं स्ट्रेटेड मसल्स वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, पर जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड. दिस हार्ट शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ. दिस आर इनवॉलेंट्री मसल्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स. मतलब हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं है. That is involuntary. They do their work on their own and we are not there to guide. So these were the muscles which we discussed, muscular tissue. Now we will proceed to nervous tissue. But first of all, I would like to tell you the strongest muscle of our body. Do you know about that? And which is the strongest muscle? Tongue is our strongest muscle in our body. You must have thought about biceps or abs which are strongest, but no, tongue is without bones and it is the strongest muscle because we need energy to speak and tongue keeps on speaking continuously. For this reason it is called the strongest muscle of our body. Now I will tell you the summary about this which we have discussed tissues. Here is the summary. You need to go through. We had discussed skeletal muscles, then smooth muscles and cardiac muscles. We discussed about their location as well as action, then how it is the texture and as well as the shape. The diagrams are given in your textbook also. Now we will come on our last topic, that is nervous tissue. The nervous tissue has two main things, that is brain and spinal cord. Both are connected to each other, as you can see in the image. They perform different functions. Function of the brain is here, as you can read. Brain helps to make all decisions at a very high speed. As soon as the signals are received, the brain is helping to make the decisions and send it back to our body. The spinal cord. It is a way through which our body is connected to the brain. Means all the nerves are not connected to the brain, but they are connected to the spinal cord, and spinal cord ultimately connects to the brain, as you can see here in the image. Then it regulates and decides the necessary actions to be carried out. Both brain and spinal cord are located centrally, as you can see. Now here I will tell you about reflex action. Children, sometimes we touch a hot object and then we remove our hand immediately. So that is called as respond to stimuli. As soon as we feel the hotness of an object, we immediately respond within 1 or 2 seconds. So that is the respond to the stimuli, means our body is responding to the hot object. Or if somebody hits us, so what will happen? Immediately we will shout or fall down. So that is respond to stimuli, and that action is called as reflex action. Now why does this action happen? So here is the answer. In reflex action, a reflex arc is formed by impulses. Impulses, I will show you the location. From the receptor reaching the spinal cord and the appropriate reflex impulse then being sent to the muscles by the spinal cord. The impulse is not sent to the brain to reduce response time. So children, here the message is not sent to the brain but to the spinal cord, and then the respond is done. That's why we immediately respond within fraction of seconds. Here you can see the location. The nerve fibers are there like a long straighted muscles. This helps to transfer the messages or signals to the brain. They are very long and they are connected to the spinal cord and then to the brain. So what is inside them? You can see here the signals are transferred by individual small units. But agar hum iska microscopic view lenge, तो हमको उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेगा. ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, द डॉट यू कैन सी दैट इज़ द सिग्नल ट्रांसफर्ड
हियर. सो अब उनके अंदर का माइक्रोस्कोपिक व्यू यू कैन सी हियर हाउ द सिग्नल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. अब ये और माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया है तो हमको इसके अलग अलग पार्ट्स दिखे. वी सॉ द न्यूक्लियस, देन डेंड्राइट्स यू कैन सी, द सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल्स विच आर हेल्पिंग टू सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन. इन सब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इनसाइड दिस एरिया. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑल आर कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एज यू कैन सी हियर. अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच अ लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट अराइजेस. Each neuron has a single part called its axon and many short branched parts called as dendrites. An individual nerve cell may be made up of meter long. Many nerve fibers bound together by connective tissue making up a nerve. अब आप देख सकते हैं ये पूरे सारे नर्व फाइबर्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं टू ट्रांसफर द सिग्नल्स. वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दोनों सिग्नल ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. सेंसरी न्यूरॉन सेंस द मैसेज टू द ब्रेन. फॉर एग्जांपल इट विल सेंड द मैसेज दैट द ऑब्जेक्ट इज हॉट. ये हेल्प करता है मैसेज सेंड. एंड देन मोटर न्यूरॉन विच विल रिसीव द मैसेज दैट नॉट टू टच दैट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द वर्क ऑफ मोटर न्यूरॉन टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन. न्यूरॉन्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, सेंसरी नर्व फाइबर एंड मोटर नर्व फाइबर. जो सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर मैसेज ट्रांसफर करते हैं उनको सेंसरी मोटर नर्व फाइबर के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं या कह सकते हैं रिसीव करते हैं दे आर कॉल्ड एज मोटर नर्व फाइबर्स. सो इट्स अ नर्वस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व फाइबर्स. इट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ बॉडी बाय receiving signals and sending signals. That is done by motor nerves as well as sensory nerves. Children, do you know we have 43 muscles to make us frown or unhappy and 17 muscles are used for smiling. तो हो सके तो हम कम muscles का use करेंगे and we will always smile. So keep smiling and be happy. That is for now, children. Thank you.